दिगवाड़ा छपरा के पास एक खेत में इनको फेंक दिया गया था। स्थानीय पुलिस छपरा के द्वारा इनका इलाज कराया गया और उसके बाद पूरी घटना जब सामने आई तो रेल पुलिस पटना के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका बयान दर्ज किया गया और केस दर्ज किया गया और उसके बाद डीएसपी पुलिस प्राधिकरण द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। सबसे पहले वो जो गाड़ी था उसका नंबर ज्ञात करना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसको हम लोगों ने जो अगल बगल का सीसीटीवी था उसके मदद से बहुत कठिनाई से उसको पहले नंबर प्राप्त किया गया। जब उसका नंबर प्राप्त हुआ और ओनर के पास गए, वो छपरा के थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी किसी को बेच दिया। साथ साथ उनके दो अन्य व्यक्ति अशोक सिन्हा और संजय झा का नाम आ रहा था, एक बड़े गैंग की तरफ इशारा हो रहा था। एक और व्यक्ति जो कि अभी नहीं पकड़े गए हैं उनका भी इसमें संलिप्तता पाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। एक गिरोह था जो कि लोगों को नशा खिलाता था, उसके बाद उसके साथ लूटपाट करता था। इस संबंध में उन गिरोह का खुलासा हुआ है और पकड़ लिया गया है। सीआरपीएफ और जीआरपी की जो टीम है उन्होंने इस गिरोह को पकड़ा है। इसके साथ ही जो रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 1 जुलाई को पुणे दानापुर एक्सप्रेस में दरभंगा के रहने वाले यात्री सतवीर कुमार साहू दानापुर स्टेशन उतरे तथा पूछताछ काउंटर पर जाकर दरभंगा जाने वाली ट्रेन के बारे में पता कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति आया तथा सतवीर कुमार साहू को कहा कि हमें भी दरभंगा जाना है, एक गाड़ी हम लोग रिजर्व किए, कम खर्चा लगेगा, चलना है तो साथ में चलिए। इस बात पर सतवीर कुमार उस व्यक्ति के साथ स्टेशन के बाहर खड़े एक उजले रंग की कार में खड़ा था उसी में ले गया, जिसमें पहले से 2 व्यक्ति मौजूद थे। जब सतवीर कुमार कार में बैठे गए तो उसमें एक व्यक्ति बोला कि मैं पानी तथा कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पानी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तथा सतवीर कुमार साहू को भी पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया। पीते ही वो सतवीर कुमार बेहोश हो गए। तब कार में सवार 3 व्यक्ति सतवीर कुमार को दिगवारा हाईवे के पास खेत में फेंक दिए और स्थानीय पुलिस के द्वारा इनका इलाज दिगवारा अस्पताल में कराया गया। होश में आने पर सतवीर कुमार ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं रेल एसपी, वो जरा सुने आप लोग। दिनांक 1 जुलाई को दानापुर पुणे एक्सप्रेस में से एक यात्री सतवीर कुमार शाह दरभंगा के रहने वाले हैं, वो उतरकर उनको दरभंगा जाना था, तो वो पूछताछ काउंटर के पास ट्रेन का पूछताछ करने के लिए गए। वहीं पूछताछ काउंटर के पास एक व्यक्ति इनको मिले और बोले कि कहाँ जाना है, तो इन्होंने बताया दरभंगा जाना है, तो बोले कि हम लोग भी जा रहे हैं और पूल करके गाड़ी हम लोगों ने किया है, काफ़ी सस्ते में हो जाएगा, साथ में चलिए। ये उसके बाद बाहर निकले तो दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में एक गाड़ी में पहले से 2 व्यक्ति इंतजार कर रहे थे, उनके साथ ये बैठ गए और उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि अभी कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा लेके आते हैं, दूर जाना है, तो वो ले आए और उसका जैसे ही ये कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पिए तो ये बेहोश हो गए। इनको दिगवारा छपरा के पास एक खेत में इनको फेंक दिया गया था। स्थानीय पुलिस छपरा के द्वारा इनका इलाज कराया गया और उसके बाद पूरी घटना जब सामने आई तो रेल पुलिस पटना के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका बयान दर्ज किया गया और केस दर्ज किया गया और उसके बाद डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन एसआईटी का किया गया, जिसमें कि जयप्रकाश सिंह पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष, रंजीत कुमार पुलिस निरीक्षक बक्सर, पंकज कुमार थानाध्यक्ष पाटलिपुत्र, रोहित कुमार सिंह प्रभारी तकनीकी शाखा, संदीप कुमार सोनी रेल थाना दानापुर, सिपाही संतोष कुमार तकनीकी शाखा, सिपाही पवन कुमार, सिपाही दीपक लकड़ा दानापुर थाना, रंजीत कुमार रेल थाना पटना, इनके साथ एक टीम का गठन किया गया और एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि मामला नशाखुरानी से संबंधित था और इस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। सबसे पहले वो जो गाड़ी था उसका नंबर ज्ञात करना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसको हम लोगों ने जो अगल बगल का सीसीटीवी था उसके मदद से बहुत कठिनाई से उसको पहले नंबर प्राप्त किया गया। जब उसका नंबर प्राप्त हुआ और ओनर के पास गए, तो वो छपरा के थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गाड़ी किसी को बेच दिया है। जब उस जिसको बेचा गया गाड़ी उसका पता किया गया तो वो तूफानी राय नाम के व्यक्ति खरीदे थे और वो उनका जब पहचान किया गया सीसीटीवी से यहाँ पूछताछ काउंटर में, तो उनका चेहरा मिलता जुलता पाया गया। उसके साथ साथ उनके 2 अन्य व्यक्ति अशोक सिन्हा और संजय झा का नाम आ रहा था, एक बड़े गैंग की तरफ इशारा हो रहा था। एक और व्यक्ति जो कि अभी नहीं पकड़े गए हैं उनका भी इसमें संलिप्तता पाया जा रहा था। टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसके बाद इसमें से व्यक्ति को एक को पकड़ा गया और 3 व्यक्ति को जो इसमें अशोक सिन्हा हैं,
जो एकंगरसराय नालंदा के रहने वाले हैं वो गिरोह के सरगना है, पहले भी इनके ऊपर आपराधिक इतिहास है, आर्म्स एक्ट का केस है और ये काफ़ी दिनों से ये ग्रुप जो है गैंग कार्यरत है। लगातार इस घटना को करने के बाद छपरा रेलवे स्टेशन पर, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, दरभंगा, मधुबनी, कई अन्य जगह यात्रियों के साथ ये नशाकुरानी का कार्य कर चुके हैं और हम लोग इसका आपराधिक इतिहास खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। बरामद सामान में जो वैगन आर सफ़ेद कार था BR22AD9909 वो बरामद किया गया है, ट्रॉली बैग बरामद किया गया है वादी का, मोबाइल 4, घड़ी 4 और अन्य सामान काफ़ी मात्रा में बरामद किया गया है जो विभिन्न यात्रियों से लूटे गए थे। इसके बाद इन सभी का आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी अन्य जगहों से पता लगाया जा रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये लोग अभी संयोग की बात है कि एक दो दिन से इन लोगों का पता चल रहा था कि ये लोग दूसरी घटना करने के फिराक में थे और इनका जैसे ही लोकेशन पटना दानापुर रेलवे स्टेशन हुआ है कल से, तो उसके बाद ये फिर किसी घटना करने के फिराक में थे, यही दानापुर रेलवे स्टेशन से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तीनों लोगों की अशोक सिन्हा तूफानी राय, अशोक सिन्हा नालंदा के रहने वाले, तूफानी राय समस्तीपुर, संजय झा मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उनके एक साथी जो हैं वो उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। नहीं, फिर से सक्रिय का बात तथ्य नहीं स्थापित हुआ है, लेकिन ये बात जरूर है कि यह गिरोह सक्रिय था और ये घटना करने के बाद पिछले 15-16 दिन में ये अन्य कई घटना ये कर चुका है और उसके अलावा यह कई जगह अंतर्राज्यीय ये बेसिकली गैंग है, ये कई जगह ये घटना कर चुके हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका से टैबलेट ये खरीदते हैं नशा का और इसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं और काफी प्रोफेशनल जो एंगल है वो सामने आया है। तो आपने सुना रेल एसपी ने क्या कुछ कहा है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।